पढ़ाते हो, अभी परीक्षा का सीजन चल रहा है ना? Yes. और परीक्षा की तैयारी करने के लिए हिंदी भाषा विशिष्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आपको ये बात पता चलता है अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है, आपकी हस्तलिपि बहुत अच्छा है, तो इसका अच्छा इंप्रेशन जांचकर्ता के ऊपर जाता है। यदि आप लिख रहे हैं और बीच बीच में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बार बार काट छांट कर रहे हैं, कापी को गंदा कर रहे हैं, ऐसे अगर करते हैं और इस कापी को अगर हम जांचकर्ता देखता है, मूल्यांकन करता देखता है, तो उसका बेड इफेक्ट उसके दिमाग पर पड़ता है और आपकी मनोभावना को वो समझ जाता है। ठीक है, आपकी आप एग्जाम लिखते समय क्या सोच रहे हैं या आपको आंसर नहीं याद आ रहा है इसलिए आप बार बार काट छांट कर रहे हैं, ये बात मूल्यांकनकर्ता को पता चल जाता है। इसलिए हमको अपने हैंड राइटिंग पर पहली बात विशेष ध्यान देना है। तो पहला मैटर है हमको क्या करना है, अपना हैंड राइटिंग सुधारना है, अपना हैंड राइटिंग अच्छा करना है। ठीक है, अब बात आता है अगर कोई पोएम है, कोई पोएम है, पोएट्री है, पद्यांश है या गद्यांश है, आप उसको सबसे पहले अच्छे से सरसरी तौर पर स्टडी कर लो, है ना? आप उसको एक ध्यान से आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए। वो जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या कह रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, जितना समझ में आ रहा है आप लिख दीजिए अपने शब्दों में। इसके बाद आप उसमें देखिए कि कौन सा शब्द या वाक्य आपके लिए कठिन है, कौन सा वर्ड है जो क्या है डिफिकल्ट है, उस वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप हाइलाइटर से उसको हाइलाइट कर दीजिए और फिर उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद उसका मीनिंग आप ढूंढिए, मीनिंग ढूंढने के बाद अब आपको जो कठिन शब्द थे उस कठिन शब्द के मीनिंग आपको समझ में आ गया है, अब आप उसे अपने शब्दों में लिखना शुरू कीजिए। इस तरह से आप कोई भी पोएम है, पोएट्री है या कोई भी कंटेंट है, उस कंटेंट का एक्सप्लेन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट? तो आपको इसको ध्यान देना है, कोई भी पद्यांश हो, गद्यांश हो या कोई भी कंटेंट है उसको आप स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए। फोर्थ पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि ग्रामर पोर्शन जो है व्याकरण, हाँ, उसका हम स्टडी या तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं उसमें हिंदी का जो है वो है संधि, समास, है ना, उसको किस तरह से संयोजित किया जाता है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उसको कौन सा फार्मूला लगता है, उसको हमको ध्यान देना है। जब लघु और लघु जुड़े तो क्या बन रहा है, आ और आ जो के फिर क्या बन रहा है, दीर्घ आ बन रहा है, इसको देखना है कि उसमें चेंजेस क्या है, क्या उसमें कॉमन है, इसको हमको देखना है और समझना है। इसके बाद आता है ग्रामर में ही अलंकार, अलंकार ये अलंकार इसके प्रकार कितने हैं, अलंकार किसको कहते हैं, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, अलंकार मतलब सुंदर, पद्यांश को, कविता को सुंदर किस ढंग से कवि करता है, उसको सुंदरता उसको अलंकृत कैसे करता है, श्रृंगार कैसे करता है उस कविता को, वो अलंकार कहता है। इसके प्रकार कितने हैं, इसका टाइप किस प्रकार को हमको नोट करना है, फिर छंद, रस, इसको हमको विशेष ध्यान देना है और इसको समझना है, छंद क्या है, रस क्या है, इसके साथ इसके उदाहरण सही किसको किसको अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, सूक्ष्म है, इसके साथ उसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, कौन से कविता उसके साथ मैच हो रहा है, उसको देखना है और समझना है। अब बात आता है लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग पत्र लेखन या फिर एप्लीकेशन, उसको लिखा कैसे जाता है, हम उसको कैसे संबोधित करते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं। अगर मान लो लेटर लिख रहे हैं आपसे कोई छोटा है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, प्रिय लिखेंगे, प्रिय भाई, मेरे प्रिय भाई, है ना, शुभ आशीष, नमस्कार। अगर आपसे बड़ों को लिख रहे हैं तो अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो कैसे करेंगे,
मेरे पापा है ना, पूजनी पिताजी, चरण स्पर्श, प्रणाम, इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे हम पत्र लिख रहे हैं तो इधर आपके बाएं साइड यहाँ पर आपको प्लेस, आपका स्थान कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं और डेट ये लिखिए। इसके बाद जैसे हमने शुरुआत किया पूरा पैराग्राफ छोड़ के, इसके बाद हम प्रश्न में पूछे गए प्रश्न के आधार पर हम पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं, पूरा बता सकते हैं। और लास्ट में आप अपना परिचय, आप आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका पुत्र, इस तरह से लिख कर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया पत्र लिखना। इसके बाद अगला जो तैयारी है वो है निबंध। कहीं भी कोई भी पैराग्राफ राइटिंग या निबंध लिखने के लिए आता है, पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे प्रस्तावना से। कुछ भी हम बताते हैं तो स्टार्टिंग होता है प्रस्तावना। आप किस संबंध में बताना चाह रहे हैं? अगर मान लीजिए दहेज प्रथा है, आता है डाउरी प्रॉब्लम, तो आप उसके बारे में आप उसको बताइए कि क्या है ये, उसका परिचय देना है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की, तो राष्ट्रीय एकता के बारे में बताइए क्या है। सांप्रदायिकता एवं हिंसा, अभी जो तत्कालिक घटना चल रहा है दिल्ली का, जो हिंसा है ना, इस पर भी आप लिख सकते हैं। क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, इसको, इस पर भी हम निबंध लिख सकते हैं। तो पहले प्रस्तावना, किसने क्या शुरुआत हुआ था, किसने शुरुआत किया था, है ना, ये सभी चीजों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद इससे क्या फायदा है, इसे करने से क्या हो सकता है, इससे क्या फायदा हो सकता है, समाज में इसका प्रभाव कैसा है, प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इस संबंध में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपको ध्यान देना है। कभी भी कोई परीक्षा की तैयारी करें तो हमको ये देखना है कि हमको लिखना कैसे है, और लिखना है तो किन बातों को लिखना है और किसको छोड़ना है और किसको लिखना है। सपोज जैसे मान लीजिए आप रेफरेंस दे रहे हैं कोई भी पोएम का, रेफरेंस या अर्थ बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो व्याख्या करने के बाद आप उसका विशेष भी लिखिए। विशेष लिखेंगे तो उसका और अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि ये इसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, हिंदी में कौन सा भाषा, ब्रज भाषा का किया गया है कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसके कवि किस प्रकार के हैं, छायावादी कवि हैं कि भक्ति काल के कवि हैं, कौन कवि है ना, और उनका नाम क्या, उसमें कौन सा श्रृंगार, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद उसमें है, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम का जो तैयारी होगा बहुत ही सार्थक होगा।